आजम खान को जेल से बाहर आने के बाद से अब इनकाउंटर का डर सता रहा है। आजम खान जब जेल में बंद थे, एक दारोगा मिलने के लिए आता था, इसी ने आजम खान के सामने इनकाउंटर की बात रखी थी। इस दारोगा से आजम खान की क्या बात हुई थी और ये दारोगा कौन था, अब हर कोई जानना चाहता है। यूपी में इस वक्त बुलडोजर और इनकाउंटर का खौफ हर तरफ देखा जा रहा है। कब अपराधियों के घर बुलडोजर घुस जाए, कहा नहीं जा सकता। पुलिस को पूरी छूट है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इनकाउंटर होते रहने चाहिए। करीब 27 महीने के लंबे इंतजार के बाद मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से निकलकर घर लौटे। जेल से जब आजम खान निकले तो स्वागत करने के लिए शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। शिवपाल यादव ने कंधे पर हाथ रखकर ये बताने की कोशिश की कि इस वक्त आजम खान के असली मित्र सिर्फ शिवपाल सिंह हैं। जेल से निकलने के बाद आजम खान जब रामपुर पहुंचे तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया। आजम खान ने उस दरोगा का सच उगल दिया जो जेल में मिलने के लिए आता था। 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई मिलने के बाद विधायक आजम खान जब रामपुर पहुंचे तो इशारों में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। आजम ने कहा, मुझ पर, मेरे परिवार और मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए गए हैं, उसमें मैं कहूंगा कि मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का हाथ है। मेरी दरखत की जड़ में जहर डालने वाले लोग मेरे अपने हैं। लेकिन इसके साथ ही आजम खान ने एक और बात कही जिसके बाद हर कोई कुछ देर के लिए शांत हो गया। आजम खान ने कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। आजम खान ने बताया कि जब वो जेल में बंद थे, उस दौरान एक दरोगा मेरे बयान लेने के लिए आया था, जिसने मुझे कहा था कि जमानत मिलने के बाद भूमिगत रहिएगा, नहीं तो एनकाउंटर कराया जा सकता है। इसी बात का आजम को डर है कि अगर दरोगा की बात सच हुई तो आगे क्या होगा। अगर योगी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शायद आजम खान इस तरह से जेल में बंद नहीं होते। लेकिन जेल से निकलने के बाद बीजेपी के प्रति आजम खान नरम हो गए। आजम खान ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बीजेपी मुझसे क्यों नाराज है, कभी मिलूंगा तो ये बात जरूर पूछूंगा। आजम खान बीजेपी से पहले ही दुश्मनी मोल ले चुके हैं, अखिलेश यादव भी भाव नहीं दे रहे, ऐसे में तीसरा विकल्प सिर्फ शिवपाल यादव दिख रहे हैं, जो खुद इस वक्त दूसरे नाव पर सवारी करना चाहते हैं। जिस तरह से शिवपाल आजम से मिले और स्वागत किया, इससे अब लगता है कि शिवपाल के साथ मिलकर आजम खान कुछ बड़ा करने वाले हैं। कुछ दिन पहले उड़ते उड़ते खबर आई थी कि शिवपाल यादव आजम को बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जेल से छूटने के बाद अखिलेश यादव मिलने के लिए भी नहीं पहुंचे और न ही कोई सपा का बड़ा नेता मिलने के लिए पहुंचा। आजम खान को लगता है कि जिस पार्टी के लिए जिंदगी भर वो लड़ते रहे, लेकिन वही सपा उनका साथ नहीं दे रही। अगर ऐसा ही रहा तो आजम बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से दारोगा वाला किस्सा सुनकर आजम खान के अंदर एनकाउंटर का डर बैठ गया है, इससे पता चलता है कि जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान को नींद नहीं आएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एनकाउंटर के डर से आजम खान बीजेपी के साथ चले जाएंगे या फिर अखिलेश के साथ ही रहेंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।